गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसा आपने देखा था पिछले टॉपिक में, आपने स्टोइकोमेट्रिक एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा था, उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जल्दी। कल हम लोग लाइव आके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे जितने भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं उसके कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसी में जो स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो आता है लिमिटिंग रीजन। अच्छा, अब इसको समझना बहुत ही इजी है अगर हम दिमाग से समझें थोड़ा सा लगा करके। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है इसको मैं बताऊं। कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है तो जो रिएक्शन में रीजेंट यूज होते हैं तो एक रीजेंट ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, एक कम चाहिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों बराबर भी चाहिए होता है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि एक ज्यादा होता है और एक कम होता है। तो रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एट ए जीरो जो है वो जब रिएक्शन स्टार्ट होना चालू होता है, चलता है रिएक्शन। तो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन का जो एक लीस्ट अमाउंट में रिएजेंट प्रेजेंट होता है वो एंड हो जाता है। तो जब वो एंड हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जो लीस्ट अमाउंट में रिएजेंट होता है तो उसके एंड होने से रिएक्शन स्टॉप हो गई, और जब रिएक्शन स्टॉप हो गई तो उसी को कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कोई भी रिएक्शन है, सपोज कीजिए कि ये रिएक्शन ए है, बी है, गिव्स आउट सी डी। तो सपोज करिए कि इसका अमाउंट ज्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट है इसका, इसको बैलेंस करने के लिए इसका कम अमाउंट है। तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, तो देखा जाएगा कि जैसे ये ज्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है। तो जैसे ये इसका अमाउंट खत्म हो गया वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो गई, भले से ये ज्यादा है। तो यहां पर ये बी वाला क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब ये हो गया कि व्हेन द अमाउंट ऑफ रीजेंट इज एंड देयर रिएक्शन विल बी स्टॉप। अगर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है उस रीजेंट के खत्म होने से तो वो कहलाता है लिमिटिंग रीजेंट। थैंक यू वेरी मच। तो ये रहा लिमिटिंग रीजेंट, आगे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा।